मंच पे आसीन मेरे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पे आसीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, मंच पर आसीन भूरिया जी, पचौरी जी, तनखा साहब, राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय सत्यव्रत जी, अरुण यादव जी, राजमणि पटेल जी, समस्त उपस्थित कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी गण और कांग्रेस पार्टी की जो नींव यहां बैठी हुई है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस की आन बान और शान रही है, आज जो जोश आपने दिखाया है राहुल गांधी जी के मध्य प्रदेश के भोपाल की राजनीति में आगमन के आधार पर, उस जोश ने भाजपा की होश उड़ा के छोड़ दी है। आज वो समय आ चुका है मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, हां हम एक राजनीतिक दल जरूर है, पर कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, कांग्रेस तो एक क्रांति है, एक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने देश को अपने खून के पूरी पूरी बलिदान देकर आजादी प्रदान की है। और आज राष्ट्रवाद की सीख हमें वो लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने खून का कतरा तो क्या एक पसीने की बूंद भी नहीं चाहिए इस देश को आजाद करने के लिए। हमारे नेताओं ने उनकी शहादत इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, इस देश का को अपना एक एक खून का कण कण प्रदान किया इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, ये कांग्रेस का इतिहास है। तो आज राहुल जी, बदलाव मध्य प्रदेश में आएगा, बदलाव आएगा तो इस मैदान में बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम के आधार पर वो बदलाव आएगा। कांग्रेस की जान कार्यकर्ता है, कांग्रेस की मान कार्यकर्ता है और कांग्रेस का सम्मान हमारा कार्यकर्ता है। और इस मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया संकल्प लेता है कि नवंबर के माह में जब हमारी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, एक एक यहां बैठे हुए कार्यकर्ता की सम्मान की लड़ाई मंचासी लेके कार्यकर्ता और एक एक प्रतिनिधि आपके लिए लड़ेगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आज जो शंखनाद मानसरोवर से आने के बाद जो शंखनाद मध्य प्रदेश की तपस्वी भूमि में हो रही है, ये शंखनाद केवल मध्य प्रदेश की परिवर्तन की शंखनाद नहीं, 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का झंडा फहराएंगे और 2019 में राहुल गांधी जी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हमारा संकल्प और प्रण होना चाहिए। आज जो वातावरण भाजपा ने यहां निर्मित किया है, कहते हैं 14 साल बेमिसाल, अरे 14 साल मेरे मध्य प्रदेश को बेहाल करके भाजपा ने छोड़ दिया है। आज जो वातावरण निर्मित हुआ है, चाहे एक तरफ सामाजिक ताना बाना को तोड़ने की कामयाब हो रही है, दूसरे तरफ महंगाई की तो बात ही मत करो। मोदी जी कहते थे ना, मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच में,
बोले ट्रेन तो नहीं आई लेकिन गैस डीजल और पेट्रोल का दाम बुलेट की तरह आसमान छूड़ा है। ये कहते हैं घरेलू उत्पादन का दर जीडीपी, जीडीपी का अनुवाद इन्होंने बदल दिया, जीडीपी की परिभाषा बदल दी। जीडीपी मतलब घरेलू उत्पादन का दर नहीं, जीडीपी का मतलब तो हो गया बढ़ता हुआ गैस का दाम, बढ़ता हुआ डीजल का दाम और बढ़ता हुआ पेट्रोल का दाम। कांग्रेस की सरकार में जब 50 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता था, मेरे मुख्यमंत्री यहां भोपाल में साइकिल पर चलते थे। अरे आज जब पेट्रोल 90 तक पहुंच रहा है, डीजल 80 तक पहुंच रहा है, कहां गया शिवराज सिंह जी का साइकिल? क्या हवा फुस हो गया? आज तो हमें ये संकल्प लेना होगा कि ये जो कहते थे ना 70 साल में क्या हुआ, हां मोदी जी 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो आपने 4 साल में करके दिखा दिया। गैस का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। मेरे नौजवानों को जो आपने था कहा था 2 करोड़ के रोजगार के अवसर देंगे, सारों को बेरोजगार करके छोड़ दिया। और मध्य प्रदेश में तो राहुल जी यहां तो नई नीति शिवराज जी ने बनाई है कि युवा पकौड़े तलेंगे और बाबा लोग मंत्री बनेंगे। यहां जो BHEL के मैदान में हम बैठे हैं ये पंडित नेहरू जी की देन है मध्य प्रदेश को और देश को। और आज जो BHEL का निजीकरण की पूरी कावियात की जा रही है, 24,000 से केवल 4,000 हमारे रोजगार के अवसर उत्पन्न करा रहे हैं, बेरोजगारी की बीमारी मध्य प्रदेश में, आम आदमी परेशान, किसान के तो छाती पे गोली लग रही है। 21,000 किसानों ने आत्महत्या किया, टीकमगढ़ में किसान को निर्वस्त्र करके दंडों से पीटा गया। जो अन्नदाता को मान सम्मान नहीं करेगा उसकी बोरी बिस्तर बांध के नवंबर में रवाना हम यहां से करेंगे। तो आज एक शंखनाद है, एक शंखनाद है महंगाई के विरुद्ध, एक शंखनाद है बेरोजगारी के विरुद्ध, एक शंखनाद है मेरी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश बलात्कार की राजधानी बना दी है शिवराज सिंह जी ने, एक तरफ लाडली लक्ष्मी, एक तरफ बेटी बचाओ, ये बेटी बचाओ योजना नहीं रही, ये तो भाजपा के नेताओं से हमारी बेटियों को बचाने की योजना बन गई है। जिस प्रदेश में महिलाओं की अस्मिता नहीं बची उस प्रदेश में सरकार का रहने का कोई औचित्य नहीं। और भ्रष्टाचार की तो बात ही मत करो, एक तरफ रेत माफिया, राशन की दुकान पर शक्कर और केरोसिन गायब, गरीबी रेखा से गरीबों का नाम गायब करके भाजपा के नेताओं का नाम डाला जाता है। व्यापम का कांड, मैंने तो सोचा था कि मुन्ना भाई तो बॉलीवुड में पैदा होते हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी ने बता दिया कि मुन्ना भाई मध्य प्रदेश में कैसा पैदा किया जाता है। पुरानी कहावत है कि जले को आग कहते हैं, जले को आग कहते हैं और बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। और जिनके भ्रष्टाचार के सबूत जल जाए उसे तो भाजपा कहते हैं। तो जो वातावरण आज निर्मित हो गया है मध्य प्रदेश में,
इस वातावरण से अगर हमें उभारना है तो ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, आप और हम, ये लड़ाई मध्य प्रदेश के जन जन के लिए, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक संकल्प भरा होना चाहिए, एक एक संकल्प होना चाहिए, किसानों की उन्नति कांग्रेस का संपर्क संकल्प, नौजवान को नौजवान को रोजगारी कांग्रेस का संकल्प, मेरी महिलाओं को सुरक्षा कांग्रेस का संकल्प, एक एक नौजवान को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर पहुंचाना कांग्रेस का संकल्प। तो आज मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि जो आज जनता की भावना है, नवंबर में सरकार बनेगी तो वो सरकार 5 साल आपके अर्जी से नहीं चलने वाली, आपके मर्जी के आधार पर चलेगी मेरे भाइयों और बहनों। और वो संकल्प हमें लेना होगा, दुष्यंत कुमार जी की लाइनें हैं कि कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, कैसे मंजर नजर आने लगे हैं कि गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, कैसे मंजर नजर आने लगे हैं कि गाते गाते लोग चिल्लाने लगेंगे लगे हैं, अब तो इस तालाब के पानी को बदल लो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। हाथ उठाकर आश्वासन दो राहुल जी को कि एक एक हम सब मिलकर, एक एक साथ में होकर इस भाजपा की कुशासन को मध्य प्रदेश से रवाना करेंगे। हाथ उठाकर आश्वासन दो और अपना हाथ हमारे हाथ में मिलाकर इस भाजपा का सुपड़ा साफ करने का एक वचन लेना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।